दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की न्यू अमेजिंग वीडियो में। आज की ये वीडियो स्पेशली दुनिया के महान मिस्त्रियों यानी इंजीनियर्स के ऊपर होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको महान मिस्त्रियों यानी कि कारीगरों के ऐसे ऐसे महान कारनामे दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आप आज खूब हंसने वाले हैं। और इसकी तो मैं गारंटी भी लेता हूँ कि आज आप बहुत हंसने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो घर होता है वो किस चीज पर टिका होता है? सिंपल सी बात है भाई, पिलर्स के ऊपर। और जहाँ तक मुझे पता है पिलर्स के अंदर तो सरिया ही होता है, लेकिन भाई अब ये चीज बहुत पुरानी हो गई है, अब पतंजलि के घर बनने लगे हैं। जरा आप इसे ही देख लीजिए। मतलब यार, इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी। ये मार्केट से सरिया नहीं ला पाए तो इन्होंने बम्बू से ही काम चला लिया। वाकई में इसलिए लोग बोलते हैं कि भारत के लोग महान हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, इस घर को सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पतंजलि का घर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस घर को बनाने वाला बुरा ना मान जाए। आपने अभी तक एक से एक महंगे महंगे बाथरूम देखे होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपने ऐसा बाथरूम तो कहीं नहीं देखा होगा। अब आप इसे ही देख लीजिए। अब यार, मिस्त्री ने इन लड़कियों की फोटो को ऐसी ऐसी जगह पर लगा दी है, टॉयलेट करने वाला बंदा ही कंफ्यूज हो जाएगा, मैं यहाँ पर टॉयलेट करूँ या फिर कुछ और करूँ। वैसे आपका क्या कहना है, अगर आपको कोई ऐसे बाथरूम में भेज दे तो फिर आपका क्या हाल होगा? जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग इस घर को देखो और मुझे ये बताओ कि आखिर इस घर में चढ़ने का रास्ता या फिर गेट कहाँ पर है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। या फिर ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर सीधा हेलीकॉप्टर ही लैंड करना पड़ेगा? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन यार, अब सरकार थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि आखिर हम इनाम दे तो दे किसे, इस घर को बनाने वाले मिस्त्री को या फिर मकान मालिक को? जरा आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब ये किस होनहार मिस्त्री की कलाकारी है यार, लेकिन जिसकी भी है लगता है कि वो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करके ही सिविल इंजीनियर बन गया है, तभी तो उसने इतनी सुंदर और खूबसूरत चीज बनाई है जिसकी तारीफ में मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। लेकिन यार, मैं बस सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ कि इस मकान मालिक को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती होगी जब आसपास के लोग इस सुंदर चीज को देखते होंगे या फिर ताड़ते होंगे। मतलब यार, कुछ भी, लगता है लोग सही बोलते हैं कि भारत के लोग सच में बहुत महान ही हैं। देखो यार, सरिये के पिलर के अंदर क्या भरते हैं, कंक्रीट, मिट्टी, सीमेंट या फिर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे मिला हुआ, उसे ही कंक्रीट कहते हैं ना। और ये तो यार बहुत सिंपल सी बात है ना, लेकिन इस इंजीनियर ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब आदमी को ही पिलर के अंदर डाल दिया, मतलब यार इन कारीगरों ने तो मौज ही कर दी, आदमी को ही कंक्रीट के अंदर मिक्स कर दिया। मुझे तो लगता है कि इससे घर की मजबूती अच्छी रहती होगी, तभी तो इन्होंने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई। मुझे लगता है मुझे भी ऐसे ही घर बनवाना पड़ेगा, वरना यार हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके वहाँ क्या ऐसा ही होता है? जरा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तो दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर दे दें, और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।